हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एंड इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट सम सिंपल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ ग्रिगोर जॉन मेंडल। ही वॉज अ वेरी फेमस बायोलॉजिस्ट, ओके। और इसने बहुत से ऐसे वर्क किए थे जो अपने आप में स्पेशल थे। सो ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके। उसने मॉडर्न जेनेटिक्स को भी डेवलप किया है। तो देखिए, ये इन्होंने एज ए मॉन्क और एज ए प्राइस्ट ये चर्च में काम करते थे, और वहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है दैट वॉज डन ऑन द पी प्लांट। इस पर इन्होंने मटर के पौधे पे काम किया, ओके। मटर के पौधे पे काम क्यों किया, इसके पीछे कुछ रीज़न था। देखिए, एक तो इसकी जो लाइफ स्पैन थी, इट हैज़ द शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसकी लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट थी, ओके। यानी शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, विद इन 3-4 मंथ ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इट मीन्स जो भी रिजल्ट आपको चाहिए यू विल गेट इट एज सून एज पॉसिबल। दूसरा क्या है, ये जो प्लांट था वो सेल्फ पोलिनेटर था, ओके। और कुछ केसेस में वो क्रॉस पोलिनेशन भी शो कर रहा था, तो वो भी इसकी एक खास बात थी। अंडरस्टैंड। दूसरा क्या था, पी प्लांट में जो करेक्टर्स थे वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। तो कुछ रीजन की वजह से मेंडल ने क्या चूज किया, पी प्लांट को चूज किया फॉर डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट। उसने 3 लास भी दिए जो हम उसके एक्सपेरिमेंट के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो क्रॉस करवाया था उसके लिए उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, ओके। इन्होंने एक टॉल पी प्लांट लिया हुज जेनेटिक और जीनोटाइप इज द कैपिटल टीटी। इट मीन्स ही टेकन द प्योर टॉल प्लांट, ओके। और दूसरा, इन्होंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया, अंडरस्टैंड, जिसका जेनेटिक मेकअप था स्मॉल टीटी, दैट इज नोन एज प्योर ड्वार्फ, अंडरस्टैंड। जब इन्होंने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो क्या मिला, तो देखिए यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 गैमेट्स बनेंगे, वन इज कैपिटल टी अनदर इज कैपिटल टी। यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे इनसे, वन इज स्मॉल टी अनदर इज स्मॉल टी, इज इट क्लियर। तो ओवरऑल जो F1 प्रोजेनी में हमें मिलेगा दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी ओवरऑल जितने भी प्लांट हमें मिलेंगे उनका हमें जीनोटाइप क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दिस इज नोन एज द F1 जनरेशन, और वी कैन से द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ओके। तो मॉर्फोलॉजिकली जो फिनोटाइप था उसमें सारे के सारे प्लांट क्या थे, टॉल प्लांट्स, ओके। यानी यहाँ पे जो रेशियो मिला दैट इज 100%, क्लियर है। अब यहाँ पे 100% मिला तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें जो कैपिटल टी है दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में। स्मॉल टी तो एक्सप्रेस कर नहीं रहा, बिकॉज स्मॉल टी जो एलील है ये, या जो जीन है स्मॉल टी, वो किसके लिए है, ड्वार्फ शॉर्ट हाइट के लिए है, जबकि जो कैपिटल टी है दैट कैन फॉर द टॉल हाइट, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये तो रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई कैपिटल टी इज द डोमिनेंट ट्रेट। इसके बाद इसने क्या किया, इन्होंने F1 प्रोजेनी का सेल्फ क्रॉस करवाया। क्या क्या इन्होंने F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया। जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया F1 प्रोजेनी का, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे इन्होंने F1 प्रोजेनी का क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया, बिकॉज दोनों का भी जो ट्रेड था वो क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इज इट क्लियर। जब इनका क्रॉस हुआ सो व्हाट दे गेट, तो यहाँ पे देखिए गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हेन दे गेट क्रॉस्ड, कैपिटल टी स्मॉल टी, हैव दिस वन गेट कंबाइंड दिस वन। तो देखिए हमारे पास जो रेशियो आया है, यानी जब इन्होंने फर्स्ट फिलियल जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया एंड
जो हमें F2 जनरेशन मिली, विच जनरेशन, जो हमें F2 या आप कह सकते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन जो मिली है, उसमें हमने क्या देखा? देखिए, एक जो प्लांट है उसका जीनोटाइप है कैपिटल TT, इट मीन्स ये प्लांट कैसा होगा? टॉल. अनदर प्लांट है कैपिटल T स्मॉल T, बिकॉज कैपिटल T इज द डोमिनेंट ट्रेट, तो ये भी प्लांट कैसा होगा? टॉल. ओके, इसका जो रेशियो है ये भी कैपिटल T स्मॉल T, इट मीन्स ये भी कैसा होगा? टॉल. और ये क्या है? बिकॉज दोनों जो टी है वो स्मॉल है, इट मीन्स ये होगा ड्वार्फ. यानी F2 जनरेशन, जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन का इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन में जो रेशियो हमें मिला, तो अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें या फिनोटाइप देखें, तो हमने देखा कि हमें रेशियो मिला 3:1. क्लियर है? 3 प्लांट कैसे थे? टॉल. और 1 प्लांट कैसा था? ड्वार्फ. इज दैट क्लियर? यानी फॉर एग्जांपल, अगर टोटल 100 प्लांट हमें F2 प्रोजेनी में मिले, तो उसमें से कितने प्लांट टॉल होंगे? 75 प्लांट्स. क्लियर है? और 25 कैसे होंगे? ड्वार्फ. 75 क्या होंगे? टॉल. और 25 कैसे होंगे? ड्वार्फ. ये था फिनोटाइप. और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा? जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप. तो आपको दिख रहा है ये प्योर टॉल है, यानी दोनों कैपिटल T है, एक ही है. ये दो ऐसे हैं जिनमें कैपिटल T स्मॉल T है 2, और एक ऐसा है जिनमें स्मॉल T है. यानी जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2:1. और फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1. तो उसको ध्यान रखिए, ये रेशियो हमेशा सेम रहता है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. यानी जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, जब भी कैसा क्रॉस होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, तो जो रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 1:2:1 तो क्या होगा? जीनोटाइप. और फिनोटाइप क्या होगा? 3:1. इज दैट क्लियर? तो ये मेंडल ने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस शो किया था. कई बार पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, पूरा क्रॉस वो मांग लेते हैं कि क्या वर्क किया था मेंडल ने, हाउ दे कैन डू इट, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर टू यू. हैव ए गुड डे. बाय.